स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण लोगों में संक्रमण से बचने को लेकर जानकारी की आपूर्ति और कोविड 19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन करना मुख्य कारण बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा करोना बचाव जागरूकता रथ शुरू किया गया, जिसे कैंप कार्यालय से जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स स्काउट्स लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेंगे और उनसे बचाव के नियमों के बारे में भी अवगत कराएंगे। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया कि जागरूकता रथ लोगों को टैंपलेट्स बांटेगा, साथ ही साथ कोरोना वायरस के बचाव में लोगों को जागरूक करेगा, जिससे सभी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से जितेंद्र बैनीवाल की रिपोर्ट। क्या आज जो जागरूक रथ है, क्या संदेश देगा लोगों के बीच और किस तरह से काम करेगा? किसी भी चीज़ की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि लोगों को उसकी कितनी जानकारी है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये एक वैन तैयार की गई है, जिसमें स्काउट्स के बच्चे साथ में होंगे और प्रचार सामग्री तैयार की गई है। तो ये ना केवल पैम्फलेट्स लोगों को बांटेंगे, बल्कि उन तक पहुँच कर उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो कोरोना की लड़ाई के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो नॉर्म्स हैं, उन सब की वो पालना करें, ताकि लोगों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो इसमें किस तरह के संदेश और भी हो सकते हैं, कैसे उनको जागरूक किया जाएगा, समझाया जाएगा घरों घरों तक जाकर, क्या क्या उसको रहने वाला होगा? ये शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग जाएंगे, दुकानों पर, घरों में, जहाँ पर लोग इन अगर नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने नियमों की पालना करें, ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। तो इसका उद्देश्य ना केवल आमतौर पर जो पब्लिक स्पेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उन पर जाकर घोषणा करने से है, बल्कि इंडिविजुअल शॉपकीपर से और दुकानदारों से मिलकर भी उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नियमों की पालना वो करें। जी सर, कैसे जो है आप रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन की मदद से ये जो एक जागरूक वैन बनाई गई है, कैसे ये काम करेगी शहर में और कितना सही मानते हैं इन चीज़ों को? लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन वो प्रॉपर जो है समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका काम आप करेंगे? देखिए, मानव जो है उसको ध्यान जो है बार बार उसको हिट करना पड़ता है, तभी मानव जो है उस कार्य को करता है। जैसे कोरोना के प्रति आज की डेट के अंदर मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अवेयर होंगे, लेकिन जब जहाँ बात आती है कोई प्रोग्राम करने की या मार्केट को खोलने की, तो मार्केटों पे अक्सर पाया गया है कि एक ही दुकान के अंदर काफ़ी सारे लोग घुसे हुए होते हैं। तो हमारे जो ये वॉलंटियर्स हैं, ये हर एक मार्केट के अंदर जाएंगे, और अगर वहाँ एक शॉप के अंदर एक से ज़्यादा अगर लोग खड़े हुए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है एक एक मीटर की दूरी के ऊपर लाइन लगा लीजिए, ताकि संक्रमण जो है दूसरे व्यक्ति को ना हो। इसी प्रकार से घरों के अंदर भी हम लोग पैम्पलेट्स देंगे, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले।